अबान क्या कर रहे हो? मामा अबीर अंदर खुद से बातें कर रही है। अल्कोहल बैग से? बताओ कहाँ से आए? बोलो। जैनी के बैग से चुराया था। चुराया था? क्या करती हो? बताओ क्या करती हो? लड़कों से बातें करती? अजान ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो तुम अपने सर पे ले रहे हो। Are you sure? I mean, अगर वो गलती दोबारा रिपीट करती है तो तुम अपने पेरेंट्स को ये बोलोगे कि मुझे पता था? जी इम्तियाज साहब, ये जॉब वैकेंसी जो है सोशल मीडिया पे क्यों लगी हुई है? मैंने आपको एक्सप्लिसिटली कहा था कि सोशल मीडिया पे नहीं लगनी चाहिए, सिर्फ न्यूज़पेपर्स क्लासिफाइड्स पे होनी चाहिए। इट्स एन ऑफिशियल थिंग। सर आपने ही तो कहा था। मैंने कब कहा था? सर आपने ही तो कहा था कि सोशल मीडिया और अखबार में दोनों जगह ये एड्स देने, तो मैंने ऐसे ही किया। अच्छा मैंने कहा था तो डिड आई गिव इट इन राइटिंग? जी सर आपने मेल की थी, चेक कर लें। Fine, I'll check it right now. लेकिन let me tell you, इंतियाज साहब, अगर ये चीज सही ना हुई ना तो I will make sure that... Right, thank you. सर आपके लिए स्पेशल नहीं चाहिए, जाओ ना। ये तुम? तौबा, इतनी ट्रैफिक और सब रोड्स ब्लॉक्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए हैं, बहुत ही अजीब ट्रैफिक, सारी रोड्स ब्लॉक। इट्स ओके। मामा आप कैट फूड लिए हैं? हाँ बाहर पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तौबा है, और ये देख लो जरा क्या बनाता रहता है, अजीब सी चीजें ना, ब्लैक ग्रे कुछ अजीब ही है, समझ से बाहर है। कभी जानने की कोशिश की है क्या बनाता है? कैसी बातें कर रही हो? प्लीज इस वक्त नहीं, मेरी पहले ही अजीब सी तबीयत हो रही है। क्या हुआ, सब ठीक है? मैं इंसान हूं ना, थक जाती हूँ कभी कभी। चाय लो। ये कहां से आया? जी वो अबान साहब लाए थे। इससे पहले और कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है पढ़ाई से। बिल्ली पाल लो, को दूध दो, इसको बाहर निकालो।
अस्सलामुअलैकुम जावेद भाई। वालेकुम सलाम। आज आप जल्दी आ गए। कहती तो वापस चले जाता हूँ। नहीं, मैंने कब कहा। क्या सीक्रेटिव बातें हो रही सहेलियों में? कोई सीक्रेटिव बातें नहीं है, बस वो बच्चों के लिए थोड़ा परेशान हो रही थी। जो माए बच्चों के लिए परेशान है उन्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए। जॉब छोड़ दूंगी तो घर का खर्चा कौन चलाएगा? I'm sure ये भी फैसला आपने सोच समझ के किया था जब किया था, घर चलाना है या you know, माँ बाप दोनों चाहिए होते। ठीक कह रहे हैं आप, बच्चों को दोनों माँ बाप की जरूरत होती है। बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि दोनों माँ बाप अच्छे इंसान भी हों, और अगर अच्छे इंसान नहीं हों तो बेहतर है कि ना ही हों। मुझे ये आजकल की औरतों की बात समझ में नहीं आती। विक्टिम भी प्ले करना है, एक अच्छा इंसान भी चाहिए, बच्चे भी रखने, घर भी चलाना है। ऑमलेट बनाना हो ना तो अंडे तोड़ने पड़ते हैं। ये आपके साथ जो सहेली आपकी बैठी है ये समझाएंगे आपको घर कैसे चलाना। अच्छा छोड़ो ये बातों को। यार मैं चलती हूँ, अभी घर पे है, मेरी सुबह अर्ली फ्लाइट है। डरने की जरूरत नहीं है, आ जाओ जल्दी। कब तक भागोगे? मैं डर नहीं रहा भाई। अब आप स्कूल का नया साल ना डर के ना शुरू करना, बहुत बुरा फंसोगे, मेरी बात मान लो, कभी कामयाब नहीं होगे। आपको कभी डर नहीं लगा भाई? तो भाई डर मुझे मजा आता है पढ़ाई करके। मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है और म्यूजिक। बनाओ, म्यूजिक भी बनाओ, पेंटिंग भी बनाओ, लेकिन म्यूजिशियन पेंटर जाहिल तो नहीं होते ना, पढ़ते हैं वो भी, पढ़ाई करते हैं। यार बान, अभी सी आ रहा है, डी आ रहा है, थोड़ा सा इम्प्रूव करना है बस। बी तक ले आओ काम हो जाएगा, माँ बाबा खुश हो जाएंगे। पक्का? पक्का, मेहनत करनी पड़ेगी। करोगे? गुड, अब आ जाओ, पेन पकड़ लो। भाई कार्ल मार्क्स जो थे ना, I love you. I love you more. क्या हुआ? कुछ नहीं। आप मेरी चोट की वजह से गिल्टी हो रही है ना? तुम्हें मेरी हर बात का पहले से ही पता चल जाता है ना? मम्मा आपको पता है? आपके लिए कोई कुछ भी कह दे ना, मुझे और अदान को पता है, आप जैसी मम्मा किसी की हो ही नहीं सकती। हेलो हेलो वजिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बस तुम्हें सॉरी करने के लिए फोन किया था मैंने। अरे पागल, किस बात का सॉरी? जावेद ने आज यूं। अरे भाई, आई नो जावेद भाई, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरा अपना,
इट्स ओके, मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हें कोई इनकी बात बुरी ना लग जाए। मैं किसी भी कीमत पे अपनी पुरानी दोस्त को खोना नहीं चाहती। तो क्या तुम सहमत हो जो भी बातें जावेद भाई करते हैं? एग्री नहीं करूंगी तो यहाँ रह पाऊंगी? अच्छा, तो तुम इसलिए सहमत हो क्योंकि तुम डरती हो कि साथ बरकरार नहीं रहेगा? क्यों उलझा रही हो मुझे? नहीं करो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को, मैं खुश हूँ जावेद के साथ। चलो अच्छा है। नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, अगर उनको ये आइडियोलॉजी अच्छी लगती है तो ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और मेरी तरफ से तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी दोस्त वहीं की वहीं बरकरार रहेगी। हाँ, अब मेरी जो एक दोस्त है वो जैसी भी है चलेगी। चलो इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अच्छा सुनो, कमिंग फ्राइडे को हम लोग बीच जा रहे हैं, जावेद भाई को बता देना। जावेद जाएंगे? कभी भी नहीं। हाँ तो इसीलिए तो वही डेट रखी है। अच्छा चलो देखती हूँ। चलो ठीक है, ओके दाफिस। बीच पे उसकी बर्थडे का प्लान है। जी मैं नहीं जाऊंगी। बुरी बात, ऐसे नहीं बोलते। मम्मा प्लीज ना, शी इज सो इरिटेटिंग। अच्छा चुप, तुम मेरे साथ रहना। मम्मा हम मेरे स्कूल के फ्रेंड्स के साथ नहीं जा सकते? नेक्स्ट फ्राइडे पक्का, प्रॉमिस। अब प्लीज मेरी खातिर टॉलरेट कर लेना उसको। ठीक है, लेकिन एक शर्त पे, आप मुझे न्यू ड्रेस दिलाएंगे। मैंने सुबह 5 बजे उठना है, मैं सोने जा रहा हूँ। मम्मा ये गलत है यार। मम्मा फिरोजा भी कोई आया है? जी जी आ गई देखती हूँ। मैं एक बार चक्कर लगाया था मैंने, लगाया था बिना सोफे से पहले। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई अम्मा नहीं आई? अम्मा बिजी। अच्छा भाई, बड़ी थानेदार नहीं है तुम्हारी अम्मा। हाय, तुम्हें इतना नहीं था ये, अगर तुम्हारे पास फोन नहीं तो भाई के फोन से कॉल कर लेते। नहीं यकीन नहीं किया होगा, याद है पूरा करना, शायद पहली बार। हाँ मुझे उठाओ। सच में तहीं सो गया था। हां बड़ा है, अरे वो कर लेता है। आज चेहरे की तरह स्लाइड कर रही है फिर। यार छोड़ो छोड़ो, करती पकड़ लेता हूं। क्या हुआ मुझे बताओ, क्या हुआ? वो म्यूजिक कंप्लीट करना है ना भाई? सही है ना, तो उनको करने दो। आप मुझे दिखाएं क्या सेट किया। ध्यान से, आराम से। हैप्पी बर्थडे अभी। थैंक यू मम्मी, मेरी अच्छी बेटी है ना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। नहीं मेरा शुक्रिया नहीं है, वजी आंटी का थैंक्स करो। ये सारा का सारा आइडिया उन्हीं का था। रियली? हाँ। Thank you so much for your auntie. God bless you and happy birthday once again. Auntie हो तो ऐसी। अच्छा अभी तुमने मुझे end time पे बता दिया था, नहीं तो मैं miss कर देती। Exactly. मुझे लगा था कि तुम्हारे घर पे birthday party है। मुझे भी पहले यही लगा था। खदीजा 2 मिनट के लिए आओगी, मुझे cake decoration के लिए पूछना है। हाँ। Come to my car. There's a surprise for you. I have a surprise for you, yeah.
अभी हाँ हैप्पी बर्थडे जेनी. या ये क्या है योर गिफ्ट? अ फोन जेनी? यू क्रेजी? अगर किसी ने देख लिया तो? अरे कुछ नहीं होता, चिल करो. थैंक यू यू आर द एब्सोल्यूट बेस्ट. बट तुम्हें पता है ना मेरे पेरेंट्स ऐसी चीजें अलाउ नहीं करते. चलो फिर देख ले. चलो अबीर का मसला तो संभाल लिया मैंने इस दफा, लेकिन अबान की फिक्र हो रही है मुझे. और जितना जिद्दी वो है मुझे लगता है हॉस्टल ही जाएगा. कौन? माँ ये आके मिल लो. एक मिनट आया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं? ठीक हूँ. ये तुम टूल्स के साथ क्या कर रहे हो? वो डोरबेल खराब हो गया ना. डोरबेल? कब? क्या हो गया? चार दिन से खराब है, आपको पता ही नहीं. अच्छा खैर छोड़ें, ये बताएं कैसी हैं? फ्लाइट कैसी थी? हाँ टर्बुलेंस. ओह माय बेबी,
क्या हुआ? ठीक हूँ, just tired. फिरोजा भी कहाँ? मामा उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने उनसे कहा था कि आप रेस्ट करें, सो गई है शायद. क्या हुआ उन्हें? कुछ नहीं, बुखार हुआ था, टेढ़ी दवा. अच्छा, क्या वो हमारा ख्याल रखती हैं? हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए. मामा आपको पता है साउंड लाउड पे मेरे और अबान के गाने को इतना अच्छा फीडबैक आ रहा है, देखाती हूँ आपको वेट करें. अब बाद में सुन लो. वो मामा खतीजा आंटी से प्लीज कुछ शेयर मत करिएगा प्लीज. साउंड क्लाउड पे तो कोई ना कोई तो सुनाई देगा. मामा अबान में बहुत टैलेंट है, लेकिन वो अपने घर वालों की वजह से ना बहुत घुटके जी रहा है. हाँ, I know. लेकिन हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्या कर सकते हैं. आई विश उसके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो खुश हो जाए. वो कुछ बुरा कर बैठेगा? ना ना करे. मगर शायद तुम ठीक कह रही. लेकिन कोई समझे भी तो सही. मैं चेंज करके आती हूँ फिर फिरोजा बी को देखने. थ्री और सेवन गलत है इसमें, बाकी ठीक है. तो थ्री और सेवन को आप रिव्यू करो और ये टेन. तुम लोग स्टडी टेबल पे ही पढ़ लेते. खैर मामा सही है, ये इलेवन करो आप. वो वाला फॉर्मूला यूज करने में मैंने बताया था. करो आप इसको, ठीक है. सब ठीक है मम्मा? ठीक है मेरी जान, ठीक है. सर दबा दूं? नहीं, ऐसी थक गई हूँ. दो दिन बाद आएंगे पापा? हाँ. चले जाती है आप भी साथ? तुम लोग को छोड़ के क्या होगा? ब्रेक मिल जाती है, चेंज. माओ को कोई चेंज नहीं मिलती, हजारों जिम्मेदारियां होती हैं जो बच्चों से जुड़ी भी होती हैं. मामा ये ऐसी बनाई हुई बातें हैं, हर किसी को चेंज की जरूरत होती है. ऐसे तुम्हारी तरह के बाकी के दो होते हैं ना, शायद मैं चेंज ले भी लेती. ऐसे ना कहा करें यार, दोनों बहुत अच्छे हैं अपनी जगह. अबीर का मसला तो संभाल लिया मैंने इस दफा, लेकिन अबान की फिक्र हो रही है मुझे. और जितना जिद्दी वो है मुझे लगता है हॉस्टल ही जाएगा. उसका यही जिद्दी बना जो है ना, मिस करेंगी कुछ टाइम बाद. अच्छा है कोई तो इंटरेस्टिंग है इस घर में, मेरी तरह बोरिंग नहीं है. तुम मेरे अच्छे बच्चे हो, इधर आ जाओ. तुम्हारी तरह ही हो जाए ना तो सब मसले हल हो जाए हमारे. तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 के पेज 3 से. सब स्टार्ट. Excuse me, Miss Sana. This is Bilal. ये आपकी क्लास का न्यू स्टूडेंट है. Boys and girls, this is Bilal. ये आपके न्यू क्लासमेट हैं. Welcome him. Bilal, आप अबान के साथ बैठिए. चलिए आप लोग स्टार्ट कीजिए. Hi, my name is Bilal. जो भी कह रहा पुकारा था तुम्हारा, आई थिंक अजान. नहीं, अजान मेरे भाई का नाम है.
एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हारा मेरा कोई मजाक है? मेरा नाम अबान है. ओके नाइस नेम. क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? चलो यार अभी लेट्स टेक अ पिक्चर. या पुट इट ऑन स्नैप से. ओह लाइक दैट क्यूट. चलें वी हैव क्लास आफ्टर दिस. तुमने फोन रख दिया? हाँ यार क्या उसने सब प्रोसेस रख दिया. क्या हो रहा है यहाँ? गेट क्यों लॉक करा था तुमने? हमने तो नहीं करा, खुद ही हो गया होगा. हमने तो नहीं किया, कंप्लेन करेंगे हम लॉक किया एडमिन ने. चलो क्लास में चलो यार, that was way too close. ओहो तुम्हें बड़ी शर्म आ रही है. हाय हाय. मतलब कुछ हुआ है क्या? ऐसे क्यों देख रहे हो? हम तो नहीं देख रहे. असल में वो हम सामने देख रहे थे कि तुम फ्रेम में आ गए. इंटरेस्टिंग. आई मीन ये वो कौन सा कैमरा है कि जिसके फ्रेम में मैं आ गया? अकेले बैठे हो? ब्रेक में नहीं गए? नहीं. अच्छा तो कोई दोस्त नहीं है तुम्हारा? कोई किसी का दोस्त नहीं होता. गहरी बात. वैसे एक बात बताऊं, मुझे भी ऐसा लगता है. तुम्हें क्यों ऐसा लगता? आई डोंट नो, मे बी आई एम डिफिकल्ट. कोई डिफिकल्ट नहीं होता. जब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना, तो यही ब्लेम दे देते. दोबारा गहरी बात. क्या बात है. तुम मुझसे दोस्ती करने की ट्राई करोगे? दोस्ती करने की कोई ट्राई नहीं होती, अगर होनी होती है तो खुद हो जाती है. राइट अगेन, गुड पॉइंट. तुम कुछ बचाते हो? मैं सबकी बैंड बजाता हूँ. आ गए आप? हाँ नहीं, रहने दो, I'll do it myself. छोड़ दो. फ्लाइट कैसी थी? शानदार. वीआईपी ट्रीटमेंट जो मिल रही थी. क्या मतलब? आपकी सहेली थी इस फ्लाइट पे. वजी हाँ जी. फिर तो बहुत अच्छा अटेंड किया होगा उसने. ओहो ऐसा वैसा, मुस्कुरा मुस्कुरा के ट्रीटमेंट मिली है, खास तौर पे हमारे सीईओ इमरान साहब. खुदा के लिए जावेद, ऐसे तो नहीं कहते, वो तो बहुत बूढ़े नहीं है? तो यही सोच रही होगी ना, एक इनकी इनकम दूसरे इनके दिन कम. यू आर फनी. चलो अच्छा हुआ तुम्हें अंदाजा तो हुआ कि मैं मजाक कर रहा था.
ऑब्वियसली आप मेरी फ्रेंड के बारे में ऐसे तो नहीं कह सकते। वैसे कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा मुस्कुरा के सर्विस थी। अरे मेरा नाइट सूट नहीं मिल रहा मुझे। दो दिन थोड़ी पड़ा रहेगा वहां पे, धुलने दे दिया मैंने, अब ले लेना दूसरा। प्लीज 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 मुझे बोलने का। ओके थैंक यू। बच्चे कहाँ हैं? काफी देर हो गई, आए नहीं? बस आ रहे हैं। ज्यादा देर नहीं हो गई? आई मीन स्पेशली फॉर अबीर। क्यों, कोई बात हुई है? नहीं कुछ हुआ नहीं है, जस्ट दैट यू नो उम्र हो गई उसकी, यू नो बेटर। कुछ से स्कूल्स के जो हालात हैं और फिर ये कमबख्त मोबाइल फोन जो है, यू नो बहुत अच्छा कि हमने अबीर को मोबाइल फोन ही लेके दिया, अजाब है। छोटे मियाँ की क्या खबरें हैं? अच्छी, अजान अच्छा मैनेज कर रहे हैं और पढ़ाई भी बेहतर हो रही है। चलो गुड। अच्छा मैं नहा के निकलता हूँ, मुझे खाना लगा। हाँ बच्चे भी आने वाले हैं, बस जा रही। ओह आई फॉरगॉट, तो शादी थी। किसकी शादी? वो हमारे प्रोक्योरमेंट में है ना, हफीज साहब, उनकी बेटी की। अच्छा शी इज ओनली 17। चलो जिम्मेदारी से फारिग हो। गुड फॉर हिम, गुड फॉर हिम। खाना लगा दे प्लीज। आपको टेस्ट मिला अपना वापस? नहीं भाई, वो शायद कल मिलेगा। बैग चेक कर लो इसका भाई, शक्ल से ही लग रहा है कि झूठ कह रहा है। अबीर, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू कि आपका भाई है, आप इस तरह नहीं बात कर सकती उससे, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ पीपल। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर दिस टाइम। मैम इनका सामान पहले से रखा हुआ। सॉरी आप पहले इनका कर। नहीं नहीं आप इनका कर लेंगी, फ्लाइट मिस हो जाएगी। मेरी फ्लाइट मिस नहीं है। नहीं नहीं आप कर लें इंसिस्ट प्लीज। थैंक यू। कौन है? क्या चल रहा है सब कुछ? क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हारी हरकतें मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बकवास बंद करो अपनी। इसी तरह फंसाया था ना? ओए! I don't... आप छोड़ते हैं। It's okay. आप जाएंगे आप? प्लीज
I need these signed tests back by tomorrow. पापा को दिखाया तो मार पड़ेगी, और पता नहीं अभी डिसीजन ले लिया तो छुट्टी कर लूं कल। क्या बकवास है यार, नहीं सर नहीं करवा सकता। भाई से बात करो। लो जी ये क्या बेटा, ये रख दो फोन, खाना खाओ। फरदान कहाँ है? वो तो भाई मैच वैच खेलने गया, लेट ही आएगा। तुम लोग बैठो, मैं रोटी लाती हूँ। ये दाल के अलावा क्या है फिरोजा बे? भिंडी, तुम्हारी पसंदीदा भिंडी बनाई है मैंने, बड़ी मजे की। लो बेटा। मम्मा वो अबान और मेरा जो सॉन्ग था ना, तो उसमें मेरा ही मेल एड्रेस था, उनकी मेल आई है और वो लोग अबान का कॉन्टेक्ट नंबर मांग रहे हैं। कौन? बेसमेंट वाले ना, वो लोग। उनको ना अबान की आवाज बहुत अच्छी लगी है। भाई खाना खा लो, और अबान की अम्मा कहीं मान ही ना जाए इस बात के लिए। हाँ भाई, ये तो बहुत बड़ा मसला है। लेकिन मम्मा ये सबका ड्रीम होता है, और अबान को तो खुद चांस मिल रहा है। मम्मा प्लीज डू समथिंग, प्लीज प्लीज प्लीज। दुआ तुम्हें पता है कि जावेद भाई बिल्कुल नहीं मानेंगे। अच्छा खैर, आई विल डू समथिंग। खाना खाओ। मामा बाबा चले गए जी, आपको कुछ चाहिए? नहीं। भाई घर पे? नहीं, फरदान के घर पर है। ठीक है।